नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के महानिदेशक पुलिस एमएल लाठर ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय से कोविड-19 गाइडलाइन की पालना कराने के उद्देश्य से नो मास्क नो मूवमेंट जन जागरूकता अभियान के कारवा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लाठर ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि कोविड-19 जैसी बीमारी से सुरक्षित रहने के लिए मास्क ही सबसे कारगर उपाय है। उन्होंने आमजन से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। लाठर एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस नीना सिंह ने पुलिस विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जयपुर इकाई, यूनिसेफ एवं PCC RCS के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया। रूस की विमानन कंपनी एरोफ्लोट के लिए सामान्य बिक्री एजेंट का काम करने वाली कंपनी डेलमोस एविएशन रूस से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नई दिल्ली लेकर आई है। इन्हें राजस्थान सरकार के लिए लाया गया है। कंपनी ने कहा है कि उसने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ इस काम के लिए गठबंधन किया है। कंपनी रूस से 1,250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद करेगी। उनका परिवहन और उन्हें सपोर्ट करने का काम कंपनी को दिया गया है। राजस्थान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि कोरोना महामारी लोगों की सांसें छीन रही है। वहीं दूसरी ओर एम्बुलेंस कर्मी रोगियों से मोटा किराया वसूल रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि सरकार इस गलत वसूली पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एम्बुलेंस किराया नीति से ज्यादा किराया वसूल करने वाले एम्बुलेंस मालिकों के खिलाफ सरकार सख्ती से कार्रवाई करके वाहन जब्त करे। राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है कि जिस तरह से ऑटो रिक्शा में मीटर लगे होते हैं, उसी तरह एम्बुलेंस में भी मीटर अनिवार्य कर देने चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए इस समय वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है। डिमांड के मुकाबले वैक्सीन कम होने से इस समय लोगों को बड़ी मुश्किल से वैक्सीन का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल रहा है, लेकिन राजधानी जयपुर में एक ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है जहां आपको किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। यहां वैक्सीन लगवाने के लिए आपको कॉलोनी के अध्यक्ष और स्थानीय पदाधिकारियों के टोकन पर वैक्सीन लगवाने की सुविधा निवारू रोड स्थित श्री रामपुरी राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही है। सीकर में कोरोना महामारी के बीच बढ़ रही ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए जिले में भामाशाहों के सहयोग का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में ऑक्सीजन प्लांट के लिए शुक्रवार को भी भामाशाहों ने 23,45,000 रुपए सहित विभिन्न सुविधाओं का सहयोग किया है। सीकर विधायक राजेंद्र पारेख व सभापति जीवन खां की अगुवाई में विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारियों व भामाशाहों के सहयोग से एकत्र राशि नगद व चेक के रूप में कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को सौंपी गई। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का बदलता मिजाज दिखाई दे रहा है। मौसम के करवट लेने से बीते कई दिनों से पड़ रही गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद राज्य के 6 जिलों से ज्यादा में मौसमी बदलाव देखने को मिले हैं। इस दरमियान जयपुर में बादलों का डेरा रहा तो बाकी प्रदेश के कई जिलों में भी बदला बरसे। राज्य के कई जिलों में ओले तक गिरे तो कहीं कहीं आंधी के बाद तेज बारिश भी हुई। हालांकि यह बारिश किसानों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में सुनारों की घाटी पर एक हवेली की बाउंड्री का कुछ हिस्सा और जर्जर छज्जे गिर गए। इससे वहां नीचे खड़े कुछ दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ ही विद्युत तार टूटने से भी विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। गनीमत रही कि उस दौरान वहां कोई खड़ा नहीं था, वरना जनहानि हो सकती थी। बाद में सूचना मिलने पर नगर निगम के कर्मचारी वहां पहुंचे और मलबा हटाया। इसके साथ ही विद्युत कर्मी वहां पहुंचे, विद्युत व्यवस्था को सुचारू किया। बीकानेर में शुक्रवार को 705 पॉजिटिव केस आए हैं। गुरुवार को 2,131 RT-PCR जांच करवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ने सुबह की रिपोर्ट में 551 को तथा शाम को 154 को पॉजिटिव मानते हुए आइसोलेट रहने की सलाह दी है। सजायाफ्ता आसाराम को कोरोना संक्रमण होने के बाद VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जबकि यहां आमजन को पूरी तरह से चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्हें संक्रमण होते ही MGH की ICU में भर्ती कर दिया गया। उन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड भी आराम से मिल गया, जबकि दूसरे मरीजों को ऑक्सीजन के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं उनके संक्रमण की पुष्टि के लिए दोबारा RT-PCR टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट कुछ ही घंटों में आ गई, जबकि ये रिपोर्ट आमजन को 3 दिनों में मिल रही है। बीकानेर जिले के गांव-गांव तक फैल चुके कोरोना वायरस से निपटने के लिए नर्सिंग कर्मियों व डॉक्टर्स ने कमर कस ली है। जिन गांवों में आसानी से गाड़ी नहीं पहुंच सकती, वहां ऊंट गाड़ों पर बैठकर भी नर्सिंग कर्मी न सिर्फ घर घर सर्वे कर रहे हैं, बल्कि संक्रमित रोगियों तक दवा भी पहुंचा रहे हैं।
पुलिस, नगर निगम व प्रशासन के संयुक्त प्रयासों की वजह से बदवासी फल सब्जी मंडी में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं, लेकिन घंटाघर सब्जी मंडी में अभी भी व्यवस्थाएं बेहाल है। यहां महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां दुकानदारों द्वारा ना तो मास्क का सही ढंग से उपयोग किया जा रहा है और ना ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है। पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी कई बार यहां सब्जी व फल विक्रेताओं को चालान काटकर हिदायत दे चुके हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को प्रोनिंग प्रक्रिया की जानकारी से संबंधित स्टिकर का विमोचन किया। इस अवसर पर मेहता ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने यह सलाह दी है कि जिन कोविड मरीजों को सांस संबंधी दिक्कत हो और ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे आ जाए तो वे प्रोनिंग करें, जिससे उनके फेफड़ों में रक्त का संचार बेहतर होगा। जोधपुर शहर में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। आगामी दिनों में और कंसंट्रेटर मशीनें जोधपुर आएंगी और 4 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हुए पुलिस के कर्मचारियों के लिए भामाशाह द्वारा लंग्स एक्सरसाइज मशीनें भेंट की गई। ADCP नाथू सिंह को यह मशीनें सुपुर्द की गई। भामाशाह हितेश जैन ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा कठिन समय में ड्यूटी को अंजाम दिया जाता है, जिसके कारण कुछ पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उनके लिए यह मशीनें पुलिस प्रशासन को भेंट की गई। बीकानेर में कोरोना के कारण पेट्रोल व डीजल की बिक्री कम हुई है, लेकिन भाव है कि बढ़ते ही जा रहे हैं। शुक्रवार को बीकानेर में पेट्रोल के भाव 100 रुपए पार पहुंच गए। यहां साधारण पेट्रोल की बात हो रही है, क्योंकि प्रीमियम वाला पेट्रोल तो कप का सैकड़ा लग चुका है। डीजल भी कम नहीं है, दबे पांव वो भी 100 के आसपास पहुंच गया है। जोधपुर में कोरोना की सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही है। जोधपुर में शुक्रवार को 2602 नए संक्रमित मिले। वहीं जोधपुर में पहली बार एक ही दिन में 2019 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। जोधपुर में शुक्रवार को संक्रमण दर 39% दर्ज की गई। जोधपुर में अब 25,360 एक्टिव केस हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।